may, we should rename it rather than election as selection. Election ka definition jo hota hai, that means like people are having choices and a right person gets elected, ek achha insaan elected hota hai. हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो यहाँ मेजर पार्टीज हैं, दो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिन्होंने एक सदियों तक यहाँ पे हुकूमत की है. पहला सवाल तो ये है कि इफ दे आर बायकॉटिंग द इलेक्शन, देन हाउ डज इट रिमेन्स इलेक्शन, वन थिंग. और अगर आप उसको नेगलेक्ट करते हो, आप बोलते हो कि इनका इलेक्शन में साथ लेना या साथ नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ऑलमोस्ट वो 50% कश्मीरी पॉपुलेशन को निगलेक्ट करते हो. यहां सवाल ये है कि इतनी एरोगेंस क्यों न्यू दिल्ली की तरफ से, क्यों कराना चाह रहे हैं इलेक्शन, किसको दिखाना चाह रहे हैं? आप एक आदमी को खड़ा कर रहे हो पंच बोल के, और अफसोस ये आप एक पंच को पहले उसकी जान की सिक्योरिटी देने को तैयार ना हो. यहां सवाल यह नहीं है. सब इलेक्शन किस लिए होते हैं? इलेक्शन इसलिए होते हैं एक डेमोक्रेटिक वे से एक आदमी चुन के आए और वो लोगों की हेल्प करे, लोगों की मदद करे, लोगों के मसाइल को हल करे. बट अफसोस, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इलेक्शन, इट्स समथिंग आप थोप रहे हैं. आप बोल रहे हैं हमें इलेक्शन करवाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इज राइट और नॉट. इफ सिचुएशन इज राइट नाउ, टेल मी, माई क्वेश्चन टू न्यू दिल्ली इज दैट व्हाई यू हैव नॉट बीन एबल टू कंडक्ट द पार्लियामेंट इलेक्शन in two places in Kashmir till now. Situation ek din mein theek hone wali nahi hai. We have to put efforts to bring peace. We have to put efforts sahi situation yahan qaim karne. Mujhe afsos hai, afsos ke sath main bolta hu, yahan jo kaan aur aankh jo hai, yahan ke jo kaan aur aankh yahan se news dete hain Delhi ko, they are wrong. Yahan ke kaan aur aankh badalne padenge New Delhi ko. ऐसे कान और आंख उनको यहां रखने पड़ेंगे जो उनको हकीकत बताए. और हकीकत में द सिचुएशन इज नॉट सूटेबल फॉर पंचायत इलेक्शन. लेट अस एडमिट इट. अब आप ऑर्नामेंटली करना चाह रहे हो तो इट्स योर विश, जबरदस्ती तो किसी के साथ की जा सकती है. बट द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड विदाउट पीडीपी रिमेन्स जीरो. कोई वजह हो सकती है सर, ये दो पार्टियां जो इसमें हिस्सा नहीं ले रही है, तो आपका क्या राय इसमें सर? वजह यही है, दे आर फोर्सिबली आंसरेबल टू कश्मीरी पीपल, फोर्सिबली. यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले कौन है? हुर्रियत वाले नहीं है. यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है. दे आर द मेन पीपल हु गो फॉर इलेक्शंस. क्या उनकी राय की कोई अहमियत नहीं रह जाती है? हाँ, आपको पता, मुझको पता, हम सबको पता है क्यों नहीं वो इलेक्शन में आना चाह रहे हैं. इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं कि उनको पता है द हार्ट ऑफ द पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वीपिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, इज वीपिंग फॉर द सिचुएशन, इज वीपिंग फॉर देयर एजुकेटेड पीपल टेकिंग द गन एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग इट. उनको पता है कि हमारी साख खत्म हो जाएगी अगर हम इलेक्शन में इस तरह जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक एमएलए को, एक लीडर को तो अपने गांव जाके बात करना पड़ेगा ना, पूछना तो, जवाब देही तो होनी पड़ेगी ना. आप खुद से गवर्नमेंट गिरा भी देते हो, बोलते हो सिचुएशन अच्छी नहीं है, फिर बोलते हो इलेक्शन के लिए सिचुएशन भी ठीक होगी. कोई मजाक है क्या मेरे भाई? कोई माने नहीं रह जाते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आर नॉट कंटेस्टिंग, फर्स्ट गिव अस एन आंसर व्हाई दे आर नॉट कंटेस्टिंग. एक आम कश्मीरी की तरफ से मैं आपको आंसर पूछ रहा हूं. गिव मी मुझे एक सेंटर, सिर्फ एक जवाब दे जिस जवाब से मैं सेटिस्फाई हो जाऊं. हाँ जी, इस वजह से ये लोग इलेक्शन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उसके खिलाफ भी हमारे पास 100 चीजें हैं, कश्मीरी को 100 चीजें हैं, बट they to save themselves they are not coming to election. That means the elections, the right, it's not the right time, it's not, situation is not feasible, situation is prevailing for the elections. Sir, one more question. Should Hure join with mainstream leaders to offer talks from New Delhi? Bada pyara sawal hai. Ek cheez to kiya Hindustan ne is panchayati ki wajah se jo hum pichle 50 saal mein na kar sake, usne Hurriyat ko, mainstream ko एक स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर न्यू दिल्ली. आज हुर्रियत भी बोल रही है बायकॉट है, और नेशनल कांग्रेस पीडीपी भी बोल रही है बायकॉट है. दैट मींस
mainstreams are forced to take the path of Huriyat. और मैं चाहूंगा अगर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कोई ऐसी बात बोलती है जो कश्मीरियों के हक की है, देन हुर्रियत शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम. देखो हुर्रियत को भी क्या, मैं यहां मैं बड़े वसूक से ये बात कहना चाह रहा हूं हुर्रियत के लिए भी, एक डेथ और एक बायकॉट कॉल, एक डेथ और एक हड़ताल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर. वी हैव गिवन एनफ लाइव्स फॉर इट, गिव अस ए real solution for it and we are ready to follow. But one hartal and one death, kab tak? Main to chahunga national conference pdp aur huriyat ek sath aa jaye, let all of them represent us together. Hum bolte the person 35a ki baat kari, 35a ko national conference defend karna cha rahi, pdp defend karna cha rahi hai, huriyat defend karna cha rahi hai, social society defend karna cha rahi, mar afsos ye hai everybody wants defend of their own. अगर एक ही चीज को डिफेंड करना है भाई, सब मिलके डिफेंड क्यों नहीं करोगे? गिव अ स्ट्रांग मैसेज फॉर डिफेंडिंग, राइट और रॉन्ग. सो जिस वक्त भी एक कॉमन एजेंडा आता है, कॉमन चीजें आती हैं, तो उस वक्त मेरे को अगर इफ इट्स अ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कश्मीर, आई रियली प्रेफर एज अ कॉमन कश्मीरी, आई प्रेफर एवरीबडी कमिंग टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड गिविंग दैट रिलीफ, दैट पीस, दैट ब्रदरहुड टू द कश्मीरी. सर, आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट पाकिस्तान इज a false allegation on New Delhi, that New Delhi is not coming forward, that we will resolve the Kashmir issue through dialogue process. Pakistan mein ek nayi government aayi hai, jab bhi koi change aati hai, as a good human being, as a positive thinker, we should always think positive. Ek nayi shuruaat. Aur mere khayal mein hame apna hissa karna chahiye. Agar India apna hissa, isse pehle ki hum kahin ungli utha ke bole ki unhone ye nahi kiya, हमें पहले सवाल यह आता है कि हमने क्या किया. अगर हम हिंदुस्तान को भी छोड़े, पाकिस्तान को भी छोड़े, हम कश्मीर की बात करें, मैं कश्मीर में यह बोलना चाह रहा हूं, आर वी यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए सिंगल कॉज? जब हम यूनाइटेड एक सिंगल कॉज, सिंगल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रहे, हाउ डू वी एक्सपेक्ट दैट टू राइवल्स कैन बी यूनाइटेड ऑन ए टॉप? मेरे ख्याल में लड़ाई घर से शुरू करनी पड़ेगी. मैं अफसोस से कहता हूं और वसूख से कहता हूं, अगर कश्मीरी को आजादी भी चाहिए तो लड़ने वाला बाहर का चाहिए, हम खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है. हमें जब जो भी चाहिए, हमें वो अपने बलबोते पे करना पड़ेगा. और जब हम स्ट्रांग है, वी गिव अ स्ट्रांग मैसेज टू द वर्ल्ड, वी गिव अ स्ट्रांग मैसेज टू इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर लायबल टू डू इट. थैंक यू सर.